नमस्कार, इनडिसन न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनडिसन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अजीबोगरीब बस सड़क हादसा, 3 बस आपस में टकराई, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में संजय राउत पात्रा भूमि घोटाला मामले में पहुंचे कोर्ट, आज तय हो सकता है आरोप। महाराष्ट्र में एक महीने के भीतर करीब 30,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, दीपक केसरकर का कहना। महिला पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, अब 12 मई को होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु में डाला वोट। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे आज, तो वहीं 15 मई को घोषित होंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर, नागद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में करेंगे प्रथम दर्शन। एनसीपी में मुख्यमंत्री बनने की लगी होड़, अजीत पवार के बाद अब जयंत पाटिल का नाम आया सामने। द केरला स्टोरी के फिल्म मेकर ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को दी चुनौती, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। और राजा मौली ने जताई महाभारत पर फिल्म बनाने की इच्छा, बोले 10 भागों में बांटी जा सकती है ये मूवी।